गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब लेक्चर देख रहे हैं उसके हिसाब से कैसे हो सब लोग। होप्स हो सब अच्छा होगा। मैं बता दूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, याद करो क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, याद है क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मैं तो भूल गया हूँ, आप बताओ क्या पढ़ा था। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम लोग ने सीखा था। कितने सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? दो, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं? दो, कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस, ठीक है। चलो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेट्स स्टार्ट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसा टर्म है जो अक्सर मैं बोलते रहता हूँ, अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब जब तक आप अकाउंट पढ़ोगे तब तक उसका यूज़ आते रहेगा। चलो तो पढ़ते हैं आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है। अगर आप 11th में हो, अगर आप लेक्चर देख रहे हो, अगर आप लोग 11th में हो तो ये आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है, लेकिन अगर आप 12th में हो या डिग्री कॉलेज में हो तो इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, ठीक है। चलो देखो, पहली बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसको इशू कौन करता है? ICAI, इशूड बाय ICAI। ये कौन है अपनी इंडिया में? अपनी इंडिया की अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी है। क्या है अपने इंडिया में? ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है। ICAI का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये ICAI ये जो AS को बनाती है, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आया एग्जाम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गिवन बाय डैश, तो वहाँ पे तीन चार ऑप्शन आए, तो उसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ICAI, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। मीनिंग क्या होता है AS का? देखो, AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकग्नाइजेशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ समझा आपको पढ़ के? मुझे तो नहीं समझा। आपको समझा पढ़ने के बाद मीनिंग जो लिखा हुआ है? नहीं समझा, एक बार और पढ़ते हैं। देखो, ASR मार्क करते चलते हैं। ASR, चलो मैं दूसरे कलर के पेन से मार्क करता हूँ। देखो, ASR रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये क्या होते हैं? रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकग्नाइजेशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। किसका? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का। कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तीन चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। AS को आप अप्लाई कहाँ करने वाले हो? सर, AS को हम लोग अप्लाई करेंगे जब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान से समझना, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, माइंड में बहुत मिसकंसेप्ट होता है इसके बारे में। AS का मीनिंग कुछ और है, माइंड में कुछ और होता है, तो ध्यान से सुनो, अपन थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। पहले बताओ मुझको, AS अप्लाई कहाँ पे होता है? तो सर, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम अप्लाई होता है। अच्छा, आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहाँ करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब, याद करो हम लोग ने पहले सीखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब दो चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इन दोनों को आप क्या बोलते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और भी होते हैं, ये बेसिक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह और भी होता है, लेकिन बेसिक क्या है? PNL और बैलेंस शीट। कहीं भी आपको ये वर्ड दिखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो माइंड में क्या आना चाहिए? दो चीज़ें, PNL और बैलेंस शीट। ये दोनों क्या होता है? अगर आप डिग्री में हो या 12th में हो तो आपको पता ही ये क्या होता है, लेकिन अगर आप 11th में हो, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो ये क्या होता है अपन आगे सीखने वाले हैं, कि PNL क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। तो डोंट वरी, आओ फिर से देख लें एक बार। AS कब अप्लाई करोगे? जब आप क्या करोगे? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब PNL और बैलेंस शीट में, ठीक है। सवाल आता है, सर ये क्या लिखा हुआ है, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये समझते हैं। देखो, ICAI ने ना बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हुए, बहुत सारे। मैं उसमें से बहुत सिंपल वाला आपको एक एग्जाम्पल के लिए, आपको एग्जाम में ऐसा आता नहीं है, ये बहुत कम आते हैं एग्जाम में, 11th के एग्जाम में ये बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आप उन्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं पूरा, ठीक है। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ AS2 का। AS2 ये क्या है?
मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, AS2 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसका है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, किसका है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है बोलो, स्टॉक। स्टॉक कितने टाइप के होते हैं कंपनी में, 3 टाइप का, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। हाँ या ना, मुझे बताओ इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होगा, स्टॉक। स्टॉक कितने टाइप के हो सकते हैं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, स्टॉक कितने टाइप के हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म मतलब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो और उससे फिनिश गुड्स बनाते हो, तो एक तो होगा रॉ मटेरियल आपके पास। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आपने रॉ मटेरियल को मशीन में डाल दिया बट वो रेडीमेड अभी बाहर नहीं आया, मतलब मशीन से वो बन के बाहर नहीं निकला है, जो मशीन में गुड्स पड़े हुए हैं क्या उसको आप रॉ मटेरियल बोलोगे, आंसर नहीं। रॉ मटेरियल तो जो एकदम रॉ फॉर्म में है, जो बाहर पड़ा हुआ है वो है, मशीन में डाल दिया कुछ बन गया कुछ बाकी है। क्या फिनिश गुड्स बोलोगे, आंसर नहीं। फिनिश गुड्स तो तब बोलोगे जब वो बन के निकल जाएगा, रेडी हो जाएगा बेचने के लिए। तो ना वो रॉ फॉर्म में है ना वो एकदम रेडी है, तो आप उसको कौन सा टर्म दे दोगे, आप टर्म दोगे वर्क इन प्रोग्रेस, राइट है ना, अभी वर्क बाकी है तो इसके लिए आप बोलते हो वर्क इन प्रोग्रेस, और जैसे ही बन के रेडी हो जाता है आप क्या बोलते हो उसको, फिनिश गुड्स। डन, ठीक है, समझते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है AS2 आपके एग्जाम में पूछेगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है बताओ, जस्ट ये जो लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। देखो अब समझते हैं कि करके ये क्या है, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कहीं तो लिखे होंगे ना ये, कि ICAI ने बस ऐसे हवे में बोल दिया होगा, कहीं तो लिखा होगा, इसके लिए इसको बोलते हैं रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, कवरिंग द एक्सपेक्ट ऑफ। किसी ने अगर आपसे पूछा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या लिखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजर करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोजर देना है, किस चीज़ का, उस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का, कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। चलो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, स्टॉक। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मेरा काम है ये मार्कर बनाना, तो मैं पहले इसका रॉ मटेरियल लाऊंगा फिर मार्कर बनाऊंगा, तो रॉ मटेरियल इसका क्या होगा, सोच के आंसर दो। इसका रॉ मटेरियल चलो मान लेते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक से ही बनेगा ना, तो जो मेरे पास प्लास्टिक है उससे जो मैं फिनिश गुड्स बना रहा हूँ, तो मेरे पास 3 टाइप क्या है, रॉ मटेरियल जो मैंने लाया, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। अब ध्यान से सुनो, मुझको अपने बुक में इसको रिकॉर्ड करना है, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, स्टॉक को मुझको अपने बुक में रिकॉर्ड करना है, तो पता है कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से सुनो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, जो कम वैल्यू होगी ना जिसकी, उसको आप रिकॉर्ड कर दोगे। से मैं कहता हूँ नेट रियलाइजेबल वैल्यू आया 100 रुपया और कॉस्ट आया मान लो 80 रुपया, क्या बोल रहा हूँ मैं, NRV मीन्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना आया, 100 रुपया, उसी चीज़ का कॉस्ट। अच्छा, ये किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक का NRV कितना आया, NRV कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, वो अपन बाद में सीखेंगे, ठीक है। ये जब आप फर्दर स्टडीज़ करोगे तो आपको जब वो AS पढ़ाया जाएगा तब आपको सिखाया जाएगा कि NRV कैसे ढूंढते हैं, कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं। फिलहाल के लिए आप अभी समझो NRV कितना है अपना 100 और कॉस्ट कितना है 80। मेरा क्वेश्चन है आप अपने बुक में कौन सा वैल्यू लिखने वाले हो, 100 या 80, 100 या 80। आंसर मैंने अभी अभी तो आपको बताया, जो इन दोनों में कम होता है वो लिखना होता है। अच्छा एक बात बताओ, कम होता है वो लिखना, ये बात कहाँ लिखी हुई है, मैंने भी कहा NRV और कॉस्ट, जो कम होगा वो लिखना है, उस अमाउंट को आपको बुक में लिखना है, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है, AS में लिखी हुई है कि NRV और कॉस्ट, जो कम वैल्यू होगा ना जिसका, जिसका अमाउंट कम होगा उस वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करना है, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है, AS में। तो समझ में आया AS क्यों बनाया गया। अच्छा समझो AS नहीं बनाया होता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता ही नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता तो सब क्या करते, सोचो ज़रा सब क्या करते, सर अपनी मर्ज़ी से लिखते, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हो सकता है मैं अपने बुक में 100 रुपये लिखूँ, कोई दूसरा बिजनेसमैन है वो बोलता है नहीं NRV अच्छा नहीं है, कॉस्ट अच्छा है, चलो कॉस्ट लिखते हैं, तो अपने बुक में कॉस्ट लिख रहा है, मतलब वो अपने बुक में 80 दिखा रहा है और मैं अपने बुक में कितना दिखा रहा हूँ 100। कोई तीसरा बिजनेसमैन है वो जो उसको अच्छा लग, अब समझ लो हर बिजनेसमैन फिर अपने मन से जो NRV या कॉस्ट जो उसको मन में आएगा वो रिकॉर्ड करेगा, तो इससे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे बिजनेसमैन का सेम होगा, आंसर नहीं, सबका अलग अलग होगा, अलग अलग। समझ में आया, किसी ने कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया है, किसी ने NRV पर रिकॉर्ड किया हुआ है, आप समझ रहे हो, कोई बिजनेसमैन है जो ऐसा भी कर रहा है NRV और कॉस्ट जो हायर है उस पर रिकॉर्ड कर रहा है, कोई जो लोअर है उस पर रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सारे बिजनेसमैन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
सेम रिजल्ट आएगा? नहीं, सेम रिजल्ट नहीं आएगा। अब समझ रहे हो, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स सबका सेम नहीं होगा। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ पता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया? क्यों आया? सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या आना चाहिए? यूनिफॉर्मिटी, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। समझो दो बिजनेस है, बिजनेस ए बिजनेस बी। बिजनेस ए वाले ने NRV पे रिकॉर्ड किया हुआ है, बिजनेस बी वाले ने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया। और ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल 100 और 80 लिया, रियलिटी में करोड़ों में ट्रांजेक्शन होते हैं, फ़र्क बड़ा हो जाएगा। तो बिजनेस ए ने NRV पे रिकॉर्ड किया, बिजनेस बी ने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, क्या इन दोनों बिजनेस को आप आपस में कंपेयर कर पाओगे? आंसर नहीं। कंपेयर करोगे तो रॉन्ग कंपैरिजन होगा। क्यों? इसने NRV पे रिकॉर्ड किया हुआ है, इसने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है, तो दोनों का जो नेट रिजल्ट है वो तो अलग अलग है ना। अब समझ रहे हो, लेकिन ऐसा समझो जरा, इसने भी NRV और कॉस्ट जो लोअर है उस पर रिकॉर्ड किया है, इसने भी NRV और कॉस्ट जो लोअर है उस पर रिकॉर्ड किया है, तो दोनों ने सेम प्रिंसिपल फॉलो किए। क्या अब ये दोनों कंपेरेबल है? आंसर हाँ, अब ये कंपेरेबल है। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजर करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे डिस्क्लोज करना है। एक एक वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने ये तीन वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया, रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट एंड ट्रीटमेंट। मैंने कहा कैसे मेजर करना है वो तो जब AS सीखोगे तब मालूम पड़ेगा। रियलिटी में AS के अंदर जब AS 2 पढ़ोगे तो उसमें सिखाएंगे आपको NRV को फाइंड करने का क्या स्टेप होता है, कॉस्ट फाइंड करने का क्या स्टेप होता है। ठीक है, ओके। ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताया, क्या ट्रीटमेंट था बोलो? अभी भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, NRV और कॉस्ट जो लोअर होगा उस पर आपको रिकॉर्ड करना है। तो आपको AS क्या बताता है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजर करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रेजेंट और डिस्क्लोज करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब PNL और बैलेंस शीट में आपको उसको डिस्क्लोज भी तो करना है। तो किस चीज़ को डिस्क्लोज करना है, किसको नहीं करना है? आंसर, जैसे इसमें AS 2 में लिखा हुआ है, आपको अपनी कंपनी का तीनों स्टॉक डिस्क्लोज करना है, मतलब कितना रॉ मटेरियल पड़ा, कितना WIP, कितना फिनिश गुड, तीनों डिस्क्लोज करना है। मतलब बिजनेसमैन ऐसा नहीं कर सकता कि उसने सिर्फ फिनिश गुड्स का डिस्क्लोजर दिया और बाकी रॉ मटेरियल और WIP का डिस्क्लोजर ही नहीं दिया। अब समझ रहे हो, तो अगर AS नहीं होता तो बिजनेसमैन क्या करते? किसी बिजनेसमैन का मूड आया तो वो डिस्क्लोज करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि मेरे पास इतने इतने का स्टॉक है। किसी बिजनेसमैन का मूड आया नहीं है तो बोलेगा मैं नहीं रिकॉर्ड करूँगा। AS आने से क्या हुआ, सारे बिजनेसमैन को मानना पड़ेगा, सारे बिजनेसमैन को ये सारे के सारे स्टॉक डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। डिस्क्लोज करना पड़ेगा मतलब दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कहाँ पे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखो यहाँ मैंने कुछ और लिखा है, इट प्रोवाइड्स, इट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये इसी चीज़ का ये कंप्रेस्ड फॉर्म है, ये सेम वही चीज़ लिखा है मैंने बट कंप्रेस्ड फॉर्म में। अपने को AS क्या देता है, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब किसी चीज़ को वैल्यू कैसे करना है और उसको डिस्क्लोज कैसे करना है। क्लियर है? तो मैंने एक एग्जांपल लिया AS 2 का, मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई AS 2 में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या बताया हुआ। अच्छा, मैंने AS 2 का ही क्यों एग्जांपल लिया, सिंपल है और आपको समझ में भी आएगा अभी जो मैं बोलूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मीनिंग कि AS में लिखा हुआ है कैसे मेजर करना है, ट्रीट करना है, प्रेजेंट करना है, डिस्क्लोज करना है। किसको? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को। कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? AS को कोई भी पूछ सकता है ना, ICAI ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों इशूट किए, क्या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, इज़ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्या नहीं होता है? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता तो क्या नहीं होता? यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो क्या है? यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी है इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्मिटी है इसका मतलब है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब लोगों ने फॉलो किया हुआ है। अभी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे किसको किसको एप्लीकेबल है, सबको एप्लीकेबल है जनरली। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब सारे बिजनेसमैन एक जैसे ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा सारे बिजनेसमैन यही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट जो लोअर होगा उस पे ही रिकॉर्ड करेंगे, डन। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। यूनिफॉर्मिटी आएगी तो क्या होगा, कंपेयर कर पाओगे। अगर नहीं होता यूनिफॉर्मिटी तो नॉन कंपेरेबल होता है। यूनिफॉर्मिटी है तो कंपेयर कर पाओगे दो बिजनेसमैन को। ठीक है, क्या सबका सेम है? सबका सेम है मतलब सबकी अकाउंटिंग पॉलिसी, सबका ट्रीटमेंट सेम है। अच्छा, सेम मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं है कि सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम होगा मतलब सबको 10,000 का ही प्रॉफिट आएगा, वो सेम नहीं होता है। सेम मतलब
ट्रीटमेंट सेम होगा, मतलब जैसे एक बिजनेसमैन ट्रीट कर रहा है वैसे दूसरा भी। जैसे हो सकता है मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा नाम मिस्टर ए है, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है खाली 100 रुपये का और कॉस्ट उसका 80 है, तो मैंने विच एवरेज 80 में रिकॉर्ड किया। दूसरा बिजनेसमैन है उसके पास 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका कॉस्ट 8,000 रुपये है, तो विच एवरेज लोअर 8,000, तो 8,000 पे रिकॉर्ड करेगा। तो मैंने 80 रिकॉर्ड किया, उसने 8,000 रिकॉर्ड किया। अब समझ में आ रहा है, फिगर सेम होने की बात नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट सेम होने की बात हो रही है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, इन्हेंसिंग रिलायबिलिटी मतलब सबके प्रिंसिपल सेम होंगे तो आप भरोसा कर सकते हो कि नहीं उनके स्टेटमेंट पे, भरोसा कर सकते हो, तो उससे भरोसा क्या होता है, बढ़ता है कि सबका स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं। बेनिफिट्स को या एडवांटेजेस को एक ही बात है। किसी ने आपसे पूछा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट्स क्या हैं या फिर एडवांटेजेस क्या हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इससे क्या होती है, इट हेल्प्स इन इलेमिनेटिंग वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी मैंने कहा ना, AS नहीं होता तो क्या होता, सबके अलग अलग होते हैं, मतलब वेरिएशन होता, कोई कॉस्ट पर रिकॉर्ड करता, कोई NRV पर रिकॉर्ड करता है ना, तो उससे क्या हो गया बोलो, एलिमिनेट हो गया। क्या एलिमिनेट हो गया, वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहला फ़ायदा कि सबका सेम रहेगा, यूनिफॉर्मिटी होगी। और दूसरा, इट फैसिलिटेट्स कंपेरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट FS, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज। मतलब आप कंपेयर कर पाओगे, सबका ट्रीटमेंट सेम होगा तो आप कंपेयर कर पाओगे इंटर एंड इंटर कंपनीज, मतलब बिटवीन टू कंपनीज। इसे रिलायंस और टाटा को आप कंपेयर कर पाओगे, समझ रहे हो। इंट्रा कंपनी मतलब विद इन कंपनी, इंट्रा कंपनी मतलब विद इन कंपनी बिटवीन टू ईयर्स, 2019 और 2020 को कंपेयर कर पाओगे, इट्स इंट्रा कंपनी। इंटर कंपनी बिटवीन टू कंपनीज, ठीक है, ओके। नाउ लिमिटेशंस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं AS के। पहला डिसएडवांटेज, इट मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट टू अप्लाई। सो मीनिंग AS में ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं। क्या बोला मैंने, AS में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, एक ही चीज़ को रिकॉर्ड करने के अलग अलग ऑल्टरनेटिव हैं। तो बिजनेसमैन को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो कौन सा ऑल्टरनेटिव अप्लाई करे। क्या बोला मैंने, AS के अंदर देखो लिखा हुआ है, इट मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट टू अप्लाई। मतलब क्या बोलने वाला हूँ मैं, बोलूँ, सोचो मैं क्या बोलने वाला हूँ, सिंपल जो बोला है वही रिपीट करने वाला हूँ। डिफरेंट ऑल्टरनेट होता है, आप किसको भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करोगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि अपने को कौन सा अप्लाई करना है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा वाला ऑल्टरनेट मतलब समझते हो ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको कौन सा वाला आपको अप्लाई करना है अपने बिजनेस में। जैसे एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर आपको, जैसे देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बेसिकली दो मेथड होता है, और भी होते हैं लेकिन बेसिक दो होते हैं, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के मेथड, फीफो मेथड एंड वैम मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO है ना, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और दूसरा होता है वैम, वेटेड एवरेज मेथड। ये दो मेथड होते हैं, कंपनी किसी भी मेथड से रिकॉर्ड कर सकती है। अब ये दोनों मेथड क्या होते हैं वो डिटेल में आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। ये दोनों मेथड से कंपनी अपने स्टॉक को रिकॉर्ड कर सकती है। और क्वेश्चन अराइज, बिजनेसमैन किस मेथड से रिकॉर्ड करें। आंसर, दोनों चलता है उसके ऊपर है, वो वैम अप्लाई करना चाहता है वैम फॉलो करे, फीफो फॉलो करना चाहता है फीफो फॉलो करे। तो यहाँ पे इसका लिमिटेशन है, आप लिमिटेशन भूल भी सकते हो, नहीं भी भूल सकते हो, कि डिफ़िकल्ट हो जाता है बिजनेसमैन को वो कौन सा वाला ऑल्टरनेट अप्लाई करे। दूसरा, इट इज़ रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सीबिलिटी। इट इज़ रिजिडली फॉलो मतलब जो बोला है मानना ही पड़ेगा, फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है। जो AS में, अभी जैसे इसमें बोला है NRV और कॉस्ट जो लोअर है वो लेना है, आप ऐसा कर सकते हो जो हायर है वो लो, नहीं ना, जो बोला है वही लेना पड़ेगा। बोला है विच एवर इज लोअर, तो आपको भी लोअर लेना पड़ेगा, आप हायर नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब जो भी बोला है वो रिजिडली फॉलो करना पड़ेगा, फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, ये इम्पॉर्टेंट है। स्टैट्यूट मतलब लॉ को ये ओवरराइड नहीं कर सकता। क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉ को ये ओवरराइड मतलब सपोज सेम चीज़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन से लेके लॉ में कुछ और बोला है, ये कुछ और बोल रहा है, तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी, AS की बात नहीं मानी जाएगी।
किसकी बात मानी जाएगी, लॉ की बात मानी जाएगी, क्योंकि इट कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस बिजनेसमैन को एप्लीकेबल है, किसको किसको मानना पड़ता है। देखो, सबको मानना पड़ता है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF या फिर जिसको आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई भी पब्लिक प्राइवेट दोनों, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, AOP बोलते हैं जिसको, ठीक है। इन सबको AS एप्लीकेबल है। सर एप्लीकेबल है मतलब जब भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करेंगे, मतलब PNL और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना जैसे AS2 का, तो जब ये स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में, तो जो लिखा हुआ है ना उसमें AS में, वो उनको फॉलो करना है। नहीं फॉलो करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इनका एफएस, ठीक है। कहाँ अप्लाई नहीं होता है? प्योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। AS फॉलो कहाँ नहीं होता है? प्योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका डज नॉट हैव कमर्शियल एक्टिविटी। अब होते हैं ना कुछ कुछ जो प्योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी ही नहीं है, मतलब मोटो कमाना है ही नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है मतलब कमाना मोटो है ही नहीं, तो वहाँ पे AS फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो आपको एप्लीकेबिलिटी है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सोसाइटीज़, दोनों में फ़र्क है। आपने सीखा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अगेन अगर आप अभी अभी 11th में हो तो अभी तक आपने इसमें नहीं सीखा, अगर आप डिग्री में और लेक्चर देख रहे हो तो आपने ऑलरेडी सीख लिया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है। खाली सोसाइटी आपने नहीं सीखा, आपने यहाँ सीखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, और यहाँ पे आप जो फॉर्म करते हो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए करते हो। ये सोसाइटी, इसको फॉर्म करने के मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, इसको फॉर्म करने के लिए कोऑपरेटिव को मिनिमम 10 मेंबर्स लगते हैं, सोसाइटीज़ को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको एप्लीकेबल होता है, इनको एक ही है प्योर चैरिटेबल ट्रस्ट। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि AS एप्लीकेबल नहीं है, किसको एप्लीकेबल नहीं है? प्योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, बाकी सबको एप्लीकेबल है, ठीक है। तो होप आपको पूरा AS अच्छे से समझ में आया है। ये AS मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझाया था, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वैसे बहुत सारे AS होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, होप आपको समझ में आया पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।